एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर निजी स्वीट्स दुकान के मालिक से रंगदारी मांगी गई है। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। 2.5 करोड़ की रंगदारी के मामले में विभूतिखंड में एफआईआर दर्ज की गई है। विभूतिखंड में मनीष कुमार गुप्ता ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। जमीनी विवाद में मांगी गई 2.5 करोड़ की रंगदारी। रंगदारी ना देने पर मनीष को हत्या की धमकी भी मिली है। राम प्रकाश मिश्रा सहित 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। स्वीट्स दुकान मालिक पर रंगदारी के लिए फोन आया था और उनसे रंगदारी मांगी गई है, और ये रंगदारी 2.5 करोड़ रुपए की मांगी गई है, और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। आपको बता दें कि विभूतिखंड में मनीष कुमार गुप्ता ने एफआईआर भी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज करा दी है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं सहयोगी अविनाश। अविनाश, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल, आपको बता दें, मधुरमा स्वीट्स के मालिक से 2.5 करोड़ की रंगदारी मामले का मामला सामने आया है, जिस पर विभूतिखंड थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें, जो है मधुरमा स्वीट्स के मालिक मनीष कुमार गुप्ता ने विभूतिखंड थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। इसके बाद पूरा मामला विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज, पुलिस पूरे उस कार्रवाई में जुटी हुई है। आपको बता दें, इसमें राम प्रकाश मिश्रा सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है और तमाम जो कार्रवाई है वो करने के लिए बात कर रही है अब। लेकिन जिस तरीके से लगातार इससे पहले भी मधुरमा स्वीट्स के मालिक को जो है सभी मामले के मामले में एक बार ये दूसरा मामला है जो दोबारा जो है जो मधुरमा स्वीट्स के जो मालिक है मनीष गुप्ता, उनसे जो है 2.5 करोड़ की जो है रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद अब विभूतिखंड पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। ठीक, इसमें जमीनी विवाद का कुछ जिक्र निकल कर आ रहा है सामने, तो क्या आपसी रंजिश सामने निकल कर आ रही है अविनाश? देखिए, बिल्कुल, इससे पहले भी जो विभूतिखंड थाना क्षेत्र के अंदर जो मधुरमा स्वीट्स के मालिक पर इससे पहले भी एक मामला जो है प्रकाश में आया था, जिसके बाद ये दूसरा मामला है जिसमें जमीनी विवाद की बात कही जा रही है। हालांकि ये जमीनी विवाद अभी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये जांच प्रकरण है कि कब जांच के बाद ही सामने निकल कर आएगा कि पूरे इस पूरे मामले की फिर क्या कुछ जानकारी है। लेकिन जिस तरीके से विभूतिखंड थाने में एफआईआर दर्ज कर तमाम तथ्यों की जांच करने के लिए विभूतिखंड थाने की पूरे मामले की तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश। और ये थे हमारे सहयोगी लखनऊ से अविनाश, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि इन पर पहले भी जो स्वीट्स मालिक हैं, इन पर पहले भी इस तरह के रंगदारी के फोन आते रहे हैं, रंगदारी मांगी जा चुकी है। अभी जो पूरा मामला जमीन विवाद का जिक्र आ रहा है, हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है।